हेलो गाइस, दिस इज विजय फटे का दुजय। आज हम बात करने वाले क्यूआर कोड को लेके। तो सबसे पहले क्यूआर कोड जो था इन्वेंट हुआ था 1994 के अंदर एक जापानीज कंपनी थी जिसका नाम था डेंजोवेव। तो इन्होंने इसे जो है ईजाद किया था। अब एग्जैक्टली क्यूआर कोड क्या होता है और किस तरह से काम करता है, चलिए देखते हैं। क्यूआर कोड जो है हमने अगर यूज़ नहीं भी किया है तो सबकॉन्शियसली हमने कहीं तो भी इसको देखा होगा, क्योंकि इसे काफ़ी सारी जगह लगाया जाता है, जैसे कि बैनर्स हुए, बिजनेस कार्ड्स हुए, फ्लायर्स हुए, लिफलेट्स हुए, पोस्टर्स हुए। अब पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे, बिंग पे, ये सारी जो क्यूआर कोड्स होती है वो आप काफ़ी सारी दुकानों के ऊपर इन्हें आसानी से देख सकते हो, जिनको स्कैन करके आप जो है पेमेंट कर सकते हो, राइट। तो क्यूआर कोड तो आपको पता ही चल गया होगा, क्यूआर कोड का काफ़ी वाइडली यूज़ कर जा रहा है पूरा देश के अंदर। देखिए टेक्स्ट बुक के ऊपर भी क्यूआर कोड लगे हुए होते हैं, एंड जिसकी मदद से आप स्कैन करके काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल आप नेट के ऊपर सर्च भी कर सकते हो। तो ये भी काफ़ी अच्छी बात बन जाती है। क्यूआर कोड जो है काफ़ी हैंडी सा फीचर होने वाला है, आगे जाके और चीज़ें बदलने वाली हैं, इनके बारे में अलग से वीडियो डेफिनेटली मैं लाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले बार कोड यूज़ किया जाता था, जिसके बार कोड से ज़्यादा इफ़िशेंट क्यूआर कोड होता है। अब एग्जैक्टली क्यूआर कोड किस तरह से वर्क करता है, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि क्यूआर कोड क्या होता है। तो क्यूआर कोड होता है एक अल्फा न्यूमरिक, क्यूआर कोड एक्चुअली एक अल्फा न्यूमरिक, न्यूमरिक, बाइनरी या फिर कैंजी, इन टाइप्स का होता है। तो जिसके अंदर आप आपके अकाउंट की इंफॉर्मेशन, आपका ईमेल, आपका एड्रेस, काफ़ी सारी चीज़ इसके अंदर आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अब क्यूआर कोड अगर आपको खुद का क्यूआर कोड अगर जनरेट करना है, मान लो कि आपकी कोई वेबसाइट है, अगर आपको उसका क्यूआर कोड जनरेट करना है तो goqr.me के वेबसाइट के ऊपर जाके आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो, या फिर गूगल में सिंपली सर्च कर लेना कि खुद का क्यूआर कोड कैसे बनाना है, या फिर मेक माय क्यूआर कोड और सर्च कर लीजिए, काफ़ी सारी साइट्स आपको मिल जाएगी जिसके अंदर आप आपका क्यूआर कोड बना सकते हो। अब क्यूआर कोड का एग्जैक्टली स्ट्रक्चर क्या होता है, तो जैसे कि आप पिक्चरों में देख पा रहे हो कि ब्लू जो एरिया इसके अंदर आपको दिख रहा है, ये एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है स्कैनिंग एरिया को। जो पर्टिकुलर क्यूआर कोड आप स्कैन करने वाले हो उसको ये इम्प्लीमेंट करता है। अब दूसरी चीज़, ऑरेंज स्ट्रिप जो लगी भी होती है वो स्कैनर को बताती है, जो स्मार्टफोन से आप उसे स्कैन करने वाले हो तो उस कैमरा को ये बताता है एग्जैक्टली कि ये ब्लैक एंड वाइट डॉट्स की ये लाइन है, ये पैटर्न है, आपको इसको स्कैन करना है। अब इसके अंदर जो रेड पट्टी आपको दिखाई दे रही है, जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, आप जिस चीज़ के लिए आपका क्यूआर कोड बना रहे हो, मान लो कि आपको पेमेंट करना है तो आपके बैंक के डिटेल्स, आपका नाम वगैरह सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं। अब हम बात करते हैं ग्रीन पट्टी की, तो वर्जन ऑफ क्यूआर कोड इसके अंदर लगा हुआ होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है कौन से वर्जन का ये क्यूआर कोड है। एक्चुअली इसके वर्जन शुरू होते हैं 6 से लेके 40 तक। ये एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, ज़्यादा मैं कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहता, वीडियो काफ़ी छोटी रखनी है। एंड येलो कलर जो है तो ये स्मार्टफोन को बताता है कि इसके एक्यूरेट अलाइनमेंट आपको कहाँ करना है। तो क्यूआर कोड स्कैन हो जाता है, अगर आपको पेमेंट करनी है तो आप पेमेंट कर सकते हो, अगर आपको एड्रेस स्कैन करना है तो आप एड्रेस सेव कर सकते हो आपके डायरेक्ट फ़ोन बुक के अंदर। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें अच्छे तरीके से हो जाती है स्मार्टफोन के अंदर। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आने वाली हैं। एंड हमेशा की तरह दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि डेफिनेटली सी यू इन द नेक्स्ट वन।